मौत की वास्तविक सच्चाई। एक लकड़हारा लौट रहा है लकड़ियों को बोझ लिए, बूढ़ा हो गया, 70 साल का हो गया, गरीब है, अब भी लकड़ी काटनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है, तभी एक जून की रोटी मिल पाती है। कई बार कह चुका है आकाश की तरफ आठ उठाकर, ये मौत के देवता तुम जवानों को उठा लेते हो, बच्चे को उठा लेते हो, मेरे देखते देखते मेरे पीछे आए लोग जा चुके हैं, आखिर मेरा क्या कसूर है, मुझे भी उठा लो, थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। उसी दिन भी बोझ भारी था, 2 दिन का भूखा भी था, क्योंकि 2 दिन पानी गिरता रहा और लकड़ी ना काट सका। रास्ते में फिर वही बात उठी कि ये मौत के देवता कब उठाओगे, कितनी देर और है, कितना सताओगे मुझे। संजोग की बात था, मौत करीब से गुजर रही थी, उसने सुन लिया, मौत सामने खड़ी हो गई। वो इतने क्रोध में था जीवन के प्रति, गट्ठा को जमीन पर पटक दिया, बिल्कुल उदास बैठा होता वृक्ष के नीचे, मौत सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं रहा, मुझे तुम पुकारते हो ना, मैं ही मौत का देवता, बोलो क्या चाहते हो। आप बूढ़े को होश आया कि हम ये क्या मांग बैठे, लोग होश में थोड़ी है, उनकी सब मांगे पूरी हो जाए तो बहुत मुश्किल में पड़ जाए, वो तो मार्ग पूरी नहीं होती, जो मांगते वो मांग पूरी नहीं हो पाती, परमात्मा सुनता ही नहीं, क्योंकि सुन ली तुम्हारी तो तुम और मुश्किल में पड़ जाओगे, फिर तुम परमात्मा को जान खाओगे कि मेरी बात क्यों सुनी, अरे हम तो यूं ही बात कर रहे थे, इतना बुरा मानने की क्या बात थी, इतनी शीघ्रता से निर्णय लेने की थोड़ी कहा था, अरे बात की बात थी, कुछ करने का थोड़ी था। बूढ़ा एकदम चौंका, सोचा ना था कि मौत सामने खड़ी हो जाएगी। होशियार आदमी, 70 साल का अनुभव, जल्दी से तरकीब निकाल ली। उसने कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, असल बात यह है कि मेरे लकड़ी का गट्ठा गिर गया, यहाँ कोई उठाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, उठाकर मेरे गट्ठे मेरे सिर पर रखवा दो, बस इतनी ही, और दोबारा फिर आने की कोई ज़रूरत नहीं, और अब कभी ना पुकारूंगा, इस भूल के लिए मुझे क्षमा करो, मुझे माफ कर दो। गट्ठर सिर पर रखकर फिर वो बूढ़ा चल निकला, लेकिन अब बड़ा प्रसन्न और आनंदित था, उसके पैरों में बड़ी गति है, होठों पर गाना गुनगुना रहा था, हृदय में गान है कि बचे लौट के बुद्धू घर को आए, जान बची और लाखों पाए, ऐसा खुश 70 साल में वो कभी ना था। जीवन के में मौत की वास्तविकता यही है, जब मौत तुम्हारे द्वार पर खड़ी होगी तब तुम्हें जीवन का मूल्य समझ में आ जाएगा। काश समझदार हो तो अभी समझ में आ सकता, मगर उतनी समझ के लिए बोध और प्रज्ञा चाहिए, समझ चाहिए, उतनी समझ के लिए सामाजिक प्रज्ञा चाहिए, फिर मछली को सागर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, सागर में ही सागर का धन्यवाद होगा, फिर झोली छीनना ना पड़ेगा किसी को, लेकिन इतना समझ ना हो तो झकझोड़े देना पड़ता, धक्के देने पड़ता, बात बड़ा मुश्किल में समझ में आता और जीवन हमारे हाथ से निकल जाता तो भी समझ में नहीं आता। तो इस मौत की वास्तविकता के जो कहानी है आज, इसको एक बार अवलोकन कीजिए, बड़ा शांति से इसको बार 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 सुनने की कोशिश कीजिए, मेरे ख्याल से कुछ बोध का घटना आपके जीवन में घट सकती है।